भागलपुर में बाढ़ से स्कूल ढह गया। भागलपुर में बाढ़ से स्कूल ढह गया। पूर्वी चंपारण में बांध टूटने से आई तबाही। गोपालगंज में गंडक नदी पर बना सारण पुल बह गया। सीतामढ़ी में सड़क को बहा ले गया सैलाब। समस्तीपुर में बाढ़ ने रोक दिया ट्रेनों का रास्ता। मधुबनी में थाना बन गया टापू। यह है बिहार में बाढ़ से तबाही का मंजर। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बांध टूटने से तबाही आई है तो कहीं स्कूलों ने जल समाधि ले ली है। सड़कों को सैलाब बहा ले गया है। बाढ़ ने अब रेल का रास्ता भी रोक दिया है। बिहार में हालात बहुत बुरे हैं। ये भागलपुर में कोसी नदी के तांडव की तस्वीरें हैं। कैसे देखते ही देखते चंद सेकंड में सैलाब के प्रहार से स्कूल की इमारत ढह गई। भागलपुर की कहारपुर पंचायत में कोसी में खतरनाक कटाव हो रहा है। 3 कमरों वाला हाई स्कूल इसी कटाव की भेंट चढ़ गया। आप देख सकते हैं कैसे लोग खड़े होकर अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। बाढ़ ने कैसे बिहार के पूर्वी चंपारण की दुर्गति कर दी है। यहां गंडक नदी पर बना बांध टूटा तो पूरे इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई। आप देख सकते हैं कैसे एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। नाव के सहारे लोगों को घरों से निकाल रही है। लोग अपने पशुओं की भी जान बचा रहे हैं। ये बांध 10 फीट की चौड़ाई में टूटा है जिसकी वजह से बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लोग इस तबाही से बचने के लिए भाग रहे हैं। दर्जनों गांवों में बाढ़ बर्बादी का मंजर दिखा रही है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी पर बना सारण बांध टूटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि सब कुछ डूब गया। आप देख सकते हैं कि कैसे गांव के गांव डूब गए हैं। लोग अपने मवेशियों और छोटे छोटे बच्चों को लेकर पलायन कर रहे हैं। तबाही का सैलाब तेजी से गांव में घुसपैठ कर रहा है। शहरी इलाकों में भी बाढ़ आ चुकी है। ये देखिए कैसे मकान डूबे हुए हैं। मकानों के अंदर खड़ी कारें भी डूबी हैं। बांध टूटने से बाढ़ का पानी गोपालगंज NH28 को लांघता हुआ हाईवे पर भी बह रहा है। दिल्ली असम को जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का कब्जा होने से ट्रैफिक ठप हो गया है। गंडक नदी का 2 बांध सारण और चंपारण दोनों आज टूट गए। पानी के दबाव की वजह से, भारी दबाव की वजह से ये तटबंध गोपालगंज में टूटे हैं और इधर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 2 जगहों पर। इस तस्वीर को देखिए कैसे सैलाब सड़कों को चीरता हुआ आया और बाढ़ में तब्दील हो गया।
दरभंगा में हो रही लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से बागमती नदी उफान पर है और अब लोगों के लिए काल बन रही है। स्कूल डूब गए हैं, गांव के गांव बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। ये मधुबनी का भैरो पुलिस स्टेशन है। इस वक्त तस्वीर कुछ ऐसी है जैसे ये किसी टापू पर बना है। चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में थाना। बिहार के मधुबनी में कमला बलान नदी में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं भैरव स्थान थाना है वो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गया है। यहाँ आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो ये भैरव स्थान थाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। जिस तरीके से कमला बलान नदी में जो है वो बाढ़ का पानी उफान मार रहा है उसकी वजह से ये थाना हर साल की तरह इस बार भी जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। बिहार में आई बाढ़ का असर रेल नेटवर्क पर भी पड़ा है। रेलवे ट्रैक के डूबने के कारण दिल्ली से बिहार जाने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं। आप देख सकते हैं नदी में आई बाढ़ का पानी पुल के गर्डर को छूने लगा है। समस्तीपुर रेल मंडल के हायाघाट स्टेशन पर कोसी नदी का पानी चढ़ाया है और इस तरह बिहार विकराल बाढ़ का सामना कर रहा है। गोपालगंज से सुजीत कुमार झा के साथ रोहित सिंह, मधुबनी आज तक।